हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हम ट्रैफिक जैम का सीन देखते हैं, जहां पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर सैब और मिया को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में ही सैब और मिया के बीच टकराव हो जाता है, जहां पर मिया सैब को मिडल फिंगर दिखाती है। मिया एक कॉफी शॉप में बैरिस्टा का काम करती है। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसके लिए वो हर रोज किसी न किसी जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाती है। मिया एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन अभी किस्मत उसका साथ नहीं देती, जिस वजह से वो हर ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाती है और मायूस होकर वापस अपने घर आ जाती है। एक दिन जब मिया अपने घर पे होती है, तो उसकी रूममेट्स उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। मिया इस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे बताती है कि शायद उसे पार्टी में कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसके करियर को स्टार्ट कर दे। क्या पता उसकी मुलाकात किसी डायरेक्टर या किसी प्रोड्यूसर से हो जाए। मिया इस पार्टी में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन कर आती है, लेकिन जैसा उसकी फ्रेंड्स ने कहा था, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और मिया मायूस होकर बाहर आ जाती है। मिया देखती है कि पुलिस उसकी गाड़ी को टो करके ले गई है और आज रात उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है। एक क्लब में से उसे पियानो की एक बहुत ही खूबसूरत धुन सुनाई देती है। वो उस क्लब के अंदर चली जाती है, जहां पर वो सैब को पियानो बजाते हुए देखती है। इस क्लब के ओनर ने सैब को सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिसमस म्यूजिक बजाने के लिए कहा था, लेकिन सैब को जैज म्यूजिक बहुत पसंद होता है, इसलिए रोमांटिक म्यूजिक बजाते बजाते वो जैज म्यूजिक बजाने लगता है। लेकिन तभी क्लब का मैनेजर वहां पर आ जाता है और वो सैब को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसने सैब से कहा था कि उसे यहाँ पर सिर्फ रोमांटिक म्यूजिक बजाना है। मिया ये सब कुछ सुन लेती है, इसीलिए वो सैब के पास आकर उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन सैब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिया को अब ऑडिशन देते देते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन वो एक पार्टी में आती है, जहाँ पर वो फिर से सैब को म्यूजिक बजाते हुए देखती है। सैब ने अब एक बैंड को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस बैंड में भी सैब को जैज म्यूजिक बजाने का मौका नहीं मिलता। इसी पार्टी में सैब और मिया की मुलाकात होती है, उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है और इसके बाद वो दोनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। सैब मिया को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप करता है। अगले दिन सैब मिया से मिलने के लिए उस कॉफी शॉप में आता है, जहां पर मिया काम करती है। वो दोनों बात करते करते बाहर आ जाते हैं। बात करते करते मिया सैब को बताती है कि वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो बहुत सारी जगहों पर ऑडिशंस दे चुकी है, लेकिन अभी तक वो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुई। इसके बाद सैब मिया को लेकर एक जैज क्लब में जाता है, जहां पर वो मिया को बताता है कि वो एक दिन अपना जैज क्लब खोलना चाहता है। उसे जैज म्यूजिक से बहुत लगाव है और एक दिन वो अपने सपने को पूरा करके ही रहेगा। वहीं पर सैब मिया को एक मूवी की स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट करता है। मिया उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जिस दिन वो स्क्रीनिंग होती है, उसी दिन मिया को अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ डेट पर जाना होता है, जबकि सैब के इनविटेशन के टाइम पर मिया को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। अब मिया अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ डेट पर चली जाती है, लेकिन इस डेट में हम साफ साफ देख पाते हैं कि मिया वहाँ पर बोर हो रही है, इसलिए वो डेट को बीच में ही छोड़कर सैब के पास चली जाती है। सैब अकेले ही थिएटर में उसका इंतजार कर रहा था। वो अकेले ही मूवी देखने चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर मिया पहुँच जाती है। वो इस मूवी को बहुत एंजॉय करते हैं। मूवी देखते देखते ही उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में आ जाते हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। सैब और मिया मूवी को बीच में ही छोड़कर एक कंजर्वेटरी में आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक रोमांटिक डांस करते हैं। एक दूसरे के साथ बिताए हुए टाइम को ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और बाद में एक दूसरे को किस करते हैं। सैब और मिया एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। एक दिन सैब मिया को बताता है कि अभी तुम्हें किसी भी मूवी में रोल नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम्हें खुद पर ही एक प्ले लिखना चाहिए और उसी के द्वारा लोगों के सामने आना चाहिए। इसके बाद मिया खुद से ही एक प्ले लिखना शुरू करती है। एक दिन सैब मिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर उससे उसका दोस्त मिलने आता है, जिसका नाम कीथ है। कीथ और सैब स्कूल में एक ही बैंड में म्यूजिक बजाते थे। कीथ ने अब एक नया बैंड स्टार्ट किया था। कीथ सैब से उसके बैंड को ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो उसे अच्छी सैलरी भी देने वाला था, लेकिन कीथ का बैंड पॉप म्यूजिक बजाता है, इसीलिए सैब कीथ के बैंड को ज्वाइन करने से मना कर देता है। सैब और मिया को अब एक दूसरे के साथ रिलेशन में कुछ टाइम बीत जाता है।
अब मिया अपने घर को छोड़कर सैफ के घर में ही शिफ्ट हो जाती है। एक दिन सुबह मिया अपनी माँ से फोन पे बात कर रही थी। उसकी माँ उससे सैफ के बारे में पूछती है, तभी मिया उसे बताती है कि सैफ एक अच्छा लड़का है, वो अपना जैज क्लब खोलना चाहता है और जल्द ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सैफ उसकी बातों को सुन लेता है और उसकी बात को दिमाग में रखते हुए वो कीथ के पास चला जाता है और उसके बैंड को ज्वाइन करता है। कीथ सैफ को एक मोटी सैलरी ऑफर करता है और सैफ अब जैज म्यूजिक छोड़कर कीथ के बैंड के साथ पॉप म्यूजिक बजाने लगता है। कीथ का बैंड सक्सेसफुल हो जाता है और पूरी दुनिया में वो बैंड मशहूर हो जाता है। अब हर जगह पर उनके चर्चे होने लगते हैं। हर जगह पर सैफ और बाकी लोगों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं। लोग कीथ और उसके बैंड को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन सैफ और मिया डिनर के लिए जाते हैं, जहां पर मिया सैफ से कहती है कि 2 हफ्ते बाद उसका एक प्ले होने वाला है और तुम्हें वो प्ले देखने के लिए किसी भी हाल में आना होगा। तभी सैफ उसे बताता है कि वो कीथ के बैंड के साथ 2 हफ्ते बाद एक टूर पर जाने वाला है और उसे खुद भी पता नहीं है कि वो उस टूर से कितनी देर बाद वापस आएगा। मिया सैफ से कहती है कि तुम कभी भी पॉप म्यूजिक नहीं बजाना चाहते थे, जैज म्यूजिक बजाना तुम्हारा ड्रीम था, लेकिन तुमने अपने ड्रीम को मार दिया है और इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। सैफ कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उन दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब थिएटर में मिया का प्ले होता है। प्ले स्टार्ट होता है और सीन सैफ की तरफ मुड़ता है। सैफ उस प्ले में जाने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी कीथ सैफ के पास आता है और वो उसे बताता है कि आज हमारा एक फोटोशूट होने वाला है और ये फोटोशूट बहुत जरूरी है। इसके बाद सैफ फोटोशूट में बिजी हो जाता है और वो मिया के प्ले को अटेंड नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ मिया का प्ले भी खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्ले बिल्कुल भी वैसा नहीं जाता जैसा मिया ने एक्सपेक्ट किया था। इस प्ले में बहुत कम लोग आते हैं, जिससे मिया मायूस हो जाती है और प्ले खत्म होने के बाद वो कुछ लोगों की बातें सुनती है। वो लोग मिया की एक्टिंग के बारे में बहुत बुरी बातें कह रहे थे। इससे मिया का दिल टूट जाता है और ऊपर से सैफ भी उसका प्ले देखने के लिए नहीं आया था, जिस वजह से उसे और भी गुस्सा आता है। प्ले खत्म होने के बाद सैफ उसके पास आता है और उसे माफी मांगता है, लेकिन मिया उसे माफ नहीं करती। वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और अपने माता पिता के पास अपने असली घर चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सैफ को एक दिन एक कॉल आता है। ये कॉल एक कास्टिंग डायरेक्टर का होता है। वो डायरेक्टर सैफ से कहती है कि मैंने मिया का प्ले देखा है और मैं उसे एक मूवी में कास्ट करना चाहती हूँ, जिसके लिए कल उसे एक ऑडिशन देना पड़ेगा। सैफ उस डायरेक्टर से कहता है कि वो कल तक मिया को किसी भी तरह उस ऑडिशन में लेकर आएगा और रात में ही सैफ मिया के घर की तरफ निकल जाता है। देर रात में सैफ मिया के घर पहुंचता है और उसे उस कास्टिंग डायरेक्टर की कॉल के बारे में बताता है। मिया कहती है कि मैंने वो सब उम्मीदें छोड़ दी है, अब मैं किसी भी ऑडिशन में नहीं जाने वाली। इस बात पर सैफ उससे नाराज हो जाता है। वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम तो मुझे मेरे ड्रीम को फॉलो करने के लिए कहा करती थी, अब तुम्हारा ड्रीम कहाँ गया? जब तुम्हारा ड्रीम खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम अपने ड्रीम से मुंह मोड़ रही हो। वो मिया को रात भर सोचने के लिए कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगली सुबह मिया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सैफ मिया को लेकर उसी ऑडिशन में आता है। वो कास्टिंग डायरेक्टर मिया को एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। मिया उनके सामने अपनी आंट की कहानी सुनाती है, जो एक स्टेज एक्ट्रेस थी और एल्कोहलिज्म की वजह से वो मर गई थी। मिया कहती है कि उन्होंने ही मुझे मेरा ड्रीम फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया है। उनकी कहानी सुनाते सुनाते मिया बहुत इमोशनल हो जाती है। ऑडिशन खत्म होता है और मिया बाहर आ जाती है। मिया श्योर नहीं थी कि उसका ऑडिशन कैसे गया है, लेकिन यहाँ पर सैफ उसे मोटिवेट करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ऑडिशन बिल्कुल ठीक गया है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मिया अब एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी। हर जगह पर उसके पोस्टर्स लगे हुए थे और उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन जिससे उसने शादी की थी वो सैफ नहीं बल्कि कोई और था और उनका एक बच्चा भी हो चुका था। एक दिन मिया अपने हस्बैंड के साथ एक क्लब में आती है जिसका नाम सैब्स होता है। मिया जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर वो चौंक जाती है, क्योंकि ये जैज क्लब सैब का होता है, यानी सैब ने भी अब अपने ड्रीम को पूरा कर लिया था। सैब मिया को अपने क्लब में देख लेता है और मिया को देखकर वो उसकी पसंदीदा धुन बजाने लगता है।
जिसे सुनकर मिया इमोशनल हो जाती है और उसकी सारी यादें ताजा हो जाती है। कुछ देर बाद मिया अपने पति के साथ वहाँ से जाने लगती है और एक आखिरी बार वो सैफ की तरफ मुस्कुराकर देखती है। सैफ भी उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।